कि जब आप बिल्डर के सेल्स ऑफिस में जाते हो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, आपको लग रहा है आपको एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन आपको एक्चुअली एक फाइनेंशियल स्कीम दिखाया जा रहा है। एक स्कीम है ये, आपको फ्लैट लेना है, आपका इरादा फ्लैट लेना है। बिल्डर का इरादा फ्लैट देना नहीं है, बिल्डर का इरादा पैसे लेने हैं। फ्लैट का डिलीवरी और पैसे का डिलीवरी को डीलिंक किया जाता है, उसका जो लिंक है ऐसे होना चाहिए चेन, उसको दो अलग किया जा रहा है। आप ध्यान से पढ़िए अपने एप्लीकेशन फॉर्म, अपना अलॉटमेंट लेटर और अग्रीमेंट प्रोफोर्मा। एक फेवरेट फ्रेज है बिल्डर्स का, टाइम इज ऑफ द एसेंस, टाइम इज ऑफ द एसेंस। आप पढ़िए उसे, ठीक से पढ़िए, समझिए। उसमें ये नहीं कहते हैं कि टाइम इज ऑफ द एसेंस, कि हमारा प्रोजेक्ट कब तैयार होगा, कब आपको डिलीवरी करेंगे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। टाइम इज ऑफ द एसेंस, वो ये कह रहे हैं कि जब आपसे पेमेंट मांगा जाएगा आप पेमेंट करोगे, उस तरह से टाइम इज ऑफ द एसेंस कहते हैं। उनका कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपका 31 दिसंबर को पेमेंट आना है तो वो आना चाहिए, और अगर 1 जनवरी को आया है, 2 जनवरी को गया, तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ, कॉन्ट्रैक्ट मतलब उनके साथ जिस सौदे में आप उतर रहे हो उसमें किस दिन को पेमेंट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे वो कहते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि साहब हमारा प्रोजेक्ट का डिलीवरी, आपका फ्लैट का डिलीवरी डिले हो सकता है, 6 महीने का ग्रेस पीरियड दोगे, फलाना ढिमका, उनके लिए भागने के रास्ते तैयार कर रहे हैं। उनके तरफ से हर तरीके के भागने के रास्ते उनको मिल जाते हैं, क्योंकि ये पूरा अग्रीमेंट उनके वकीलों ने तैयार किया होता है। अग्रीमेंट ही नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर, अगर आपसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म, ये सारा जो पेपर वर्क है बिल्डर के वकीलों ने अपने शैतानी दिमाग लगा लगाकर तैयार किए हैं। एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक कमा, एक एक फुल स्टॉप के ऊपर उन्होंने ध्यान से बहुत सोच के, बहुत यानी रिसर्च करके, समझ के वो सारे तैयार किए हैं। अब उसमें कहीं एक भी गलती नहीं है उनके लिए, आपके लिए गलती ही गलती है। आप अगर समझोगे तो वो अग्रीमेंट, वो एप्लीकेशन लेटर, वो अलॉटमेंट लेटर, वो सारा जो है वो आपके इंटरेस्ट में किसी हिसाब से नहीं है, किसी तरीके से नहीं है, क्योंकि आपको फ्लैट परचेज अग्रीमेंट के तरफ नहीं लिया जाता है। आप जाते हो मनी सप्लाई अग्रीमेंट के लिए, आप साइन करते हो मनी सप्लाई अग्रीमेंट, और मनी सप्लाई अग्रीमेंट ऐसे रहता है कि मैं टाइम पर, टाइम टू टाइम मैं पेमेंट करूंगा, और अगर पेमेंट नहीं किया तो भारी पेनल्टी लगेंगे, भारी पेनल्टी। आप कहोगे क्रिश यार, बिल्डर जब तक फ्लैट बेचता नहीं है, जब तक फ्लैट डिलीवर नहीं करता है, तब तक वो कमाएगा कैसे, राइट? यही कहते हो ना, बिल्डर है वो। मैं कहता हूं गलत, उनका बिजनेस बिल्डिंग का काम नहीं है, उनका बिजनेस मनी कलेक्शन का काम है। वो दिखा रहे हैं बिल्डिंग का काम, वो अपना आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं बिल्डिंग के काम पे, जब बिल्डिंग का ये स्टेज है, वो स्टेज है, फलाना ढिमका, प्रोजेक्ट का ये पर्पस है, ये उसकी खूबी है, लेकिन एक्चुअल में यहां पे हो रहा है क्या कि वो आपको खींच रहे हैं, आपसे नोट खींच रहे हैं। ओके, आपको बिल्डिंग यहां पे दिखा रहे हैं, यहां से नोट खींच रहे हैं, आपको ये दिखता है, ये दिखता नहीं है। और अगर दिखता है तो आप कहोगे क्रिश ये इंसिडेंटल है, ये तो होता है यार, वो बिल्डिंग कैसे बनाएंगे अगर पैसे नहीं खींचेंगे तो। गलत है। आज के तारीख में जो बिजनेस किया जा रहा है, जिस तरीके से बिजनेस किया जा रहा है, आपकी सोच यानी मिडिल क्लास आदमी की सोच वहां तक पहुंचती भी नहीं,
मनी सप्लाई अग्रीमेंट से क्या हासिल कर रहे हैं ये मैं आपको समझा रहा हूं। उनके अग्रीमेंट में ऐसे लिखे गए हैं, ऐसा लिखा गया है कि आप उनको 80% पेमेंट दोगे और अगर 80% के बाद वो 5% पेमेंट डिमांड करते हैं वो नहीं दोगे तो आपका 80% दिया हुआ पैसा चला जाएगा और वो आपको रिटर्न नहीं करेंगे और आपका पूरा अग्रीमेंट को भी रद्द कर देंगे। समझो 1 करोड़ का फ्लैट है, आप सोचते हो मैंने 80% पेमेंट दिया है बिल्डर को तो मैं सेफ हूं, 80 लाख रुपीस मैंने दे दिया है, 80 लाख रुपीस बिल्डर के पास पड़े हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, ऐसे आप सोचते हो क्योंकि आप आम आदमी हो। आप अगर अग्रीमेंट प्रोफोर्मा ये सब पढ़ोगे ना, अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि वो आपको रिफंड नहीं करना चाहते। बहुत सारे बिल्डर्स कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जो कहते हैं हम रिफंड करेंगे, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, हमारे हिसाब से हमारे टाइम से करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे भी कहते हैं कि चलो तुमने 80% दे दिया, तुमने पेमेंट नहीं दिया, बाकी पूरा हमारा हो गया बॉस, भूल जाओ। ये भी कहने वाले बिल्डर्स हैं, ये कहने वाले बिल्डर्स बिल्कुल हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, नामी बिल्डर्स हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं। मैंने लोधा के संदर्भ में सिक्योरिटाइजेशन क्लॉज पढ़ा है, वैसे रुणाल का भी सिक्योरिटाइजेशन क्लॉज है, करीब करीब हर बड़े बिल्डर का सिक्योरिटाइजेशन क्लॉज है अग्रीमेंट में। अब आप आम आदमी की तरह सोचते हो इसलिए आपको क्या दिखता है सिक्योरिटाइजेशन क्लॉज में, ये आपको दिखाई देता है कि वो कह रहे हैं कि भाई हम अगर प्रोजेक्ट को मॉर्गेज करना चाहते हैं तो मॉर्गेज करेंगे, यानी गिरवी रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको प्रोजेक्ट फाइनेंस उठाना है। क्यों प्रोजेक्ट फाइनेंस उठाना है? भाई हमको तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और पब्लिक को देना है, इसलिए हम गिरवी रखने का परमिशन ले रहे हैं, परमिशन मतलब अग्रीमेंट में क्लॉज रख रहे हैं। ये आपका नजरिया है, आप उसे फिर से ध्यान से पढ़िए। उसके अंदर ऐसे भी लिखा हुआ होता है कि हम गिरवी भी रख सकते हैं, हम बेच भी सकते हैं, हम असाइन कर सकते हैं, हम किसी भी तरह से एलियनेट, अपने आप को एलियनेट कर सकते हैं, हम निकल सकते हैं, बेच बाच के हम चले जाएंगे। आप कुछ आपसे हम कहेंगे कि आप सो एंड सो पार्टी को पेमेंट करो तो उनको ही पेमेंट करो, मतलब फॉर एग्जांपल पिरामल ने हमको फाइनेंस किया है तो पिरामल को पेमेंट करो, ICICI बैंक ने पेमेंट किया, ये हमें फाइनेंस दिया है तो आपको हम असाइन कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली ICICI बैंक में पेमेंट करिए, हमको दीजिए ही मत, बिल्डर को आप दीजिए ही मत, डायरेक्टली ICICI बैंक को पेमेंट करिए क्योंकि हमने प्रोजेक्ट फाइनेंस लिया। फ्लैट बायर सामान बन चुके हो, बिल्डर के लिए एक सामान हो, यू आर गुड्स, यू आर कमोडिटी, ओके? आप इंसान नहीं हो, आप कस्टमर नहीं हो, आप फ्लैट बायर नहीं हो, फ्लैट बायर वाली बात चली गई, यू आर मनी सोर्स, आप एक कमोडिटी हो, आपसे पैसे लेने हैं बस, वहीं तक उनका इंटरेस्ट है आपके अंदर। मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है जो 5 साल के बाद कंप्लीट होगा, उस 5 साल के लिए वो कहते हैं कि आप पेमेंट इस तरह से करोगे, वो कहते हैं 31 दिसंबर, हर साल के 31 दिसंबर को आप 20 लाख रुपया दोगे। जैसे ही 1 करोड़ रुपया पूरा हो जाता है हम आपको पोजीशन दे देंगे 5 साल के बाद 1 करोड़ के फ्लैट को, आपसे हम 20 लाख रुपीस एवरी ईयर ले रहे हैं, 31 दिसंबर से लेटर नहीं जाना चाहिए, एग्जैक्टली 31 दिसंबर को आएगा सबसे सही पड़ेगा, 1 जनवरी को आया लेट हो गया आपके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी। मान लेते हैं कि उस प्रोजेक्ट में 100 या वैसे तो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं हजारों फ्लैट्स होते हैं, तो चलिए मैं 100 फ्लैट के 10 टावर्स की बात करता हूं तो 1000 फ्लैट्स हैं, 100 फ्लैट का एक टावर बनता है ऐसे मान के चलते हैं। आपके जैसे 100 लोग हैं, उनको बुकिंग हो गया, अब पेमेंट शुरू हो गया, ओके? मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए कह रहा हूं 20 लाख का पेमेंट, पहला वाला 20 लाख का पेमेंट आता है और आप देते हो और आपके जैसे 100 लोग जो हैं वो सारे 20-20 लाख देते हैं, तो हो गया 100 लोग 20 करोड़,
20 करोड़ रुपए उनके रिसीवेबल्स हैं। ओके, आप सिक्योरिटाइजेशन क्लॉज देखिए, वो रिसीवेबल्स की बात करते हैं। 20 करोड़ रुपए उनके बिल्डर के रिसीवेबल्स हैं, यानी कि 20 करोड़ का रिसीवेबल उनको मिलेगा 2022 के 31 दिसंबर को। दूसरा 20 करोड़ उनको मिलेगा उस टावर के लिए 2023 31 दिसंबर, फिर 2024 31 दिसंबर, फिर 2025 31 दिसंबर, और लास्ट में 2026 31 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। करेक्ट। तो ऐसे करते करते 1 करोड़ का ये रिसीवेबल हो जाता है। अब ये रिसीवेबल्स फ्रॉम 100 persons कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? फ्लैट मिलेगा वो तो ठीक है, वो तो आगे बहुत दूर है, 2026 में फ्लैट मिलने वाला है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि 2022 31 दिसंबर को 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट को बेच सकते हैं, इट कैन बी सोल्ड। 6 महीने को में मिलने वाले फ्यूचर, आज का तो 20 करोड़ नहीं है, 6 महीने के बाद आएंगे। तो ये बिल्डर कहता है, बॉस ये मेरे पास 20 करोड़ का एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 100 लोग हैं, 100 लोग आपको 20-20 लाख करके 20 करोड़ देने वाले हैं, आप मुझे आज क्या दोगे? समझ लो दूसरा पार्टी जो है, यानी अभी ये मनी ट्रेडिंग के जगह पे पहुंच गए हम, ये बैंक्स इस तरह का डीलिंग करते हैं। वो कहते हैं, सर आपका जो 20 करोड़ है वो 6 महीने के बाद आएंगे, मैं अपने आज के पैसे को 6 महीने आगे फेंकना चाहता हूं। तो ऐसे करते हैं, मैं आपको 19.5 करोड़ देता हूं, 50 लाख कम, बट इमीडिएटली आप कैश कर सकते हो। 19.5 करोड़ आज मिल रहे हैं, 20 करोड़ आपको मिलेंगे दिसंबर में। समझो मैं रुनवाल बिल्डर हूं, मैं ले लेता हूं 19.5 करोड़, मैंने कैश कर दिया आज, वो मेरे पास आ गया। अब 20 करोड़ का बॉक्स है, उसको पकड़ा देता हूं। ऐसे ही और एक बॉक्स है जो 2023 31 दिसंबर को आने वाला है, 20 करोड़। मैं कहता हूं, अभी इसका तुम क्या दोगे? इसका वो कहता है, सर ये तो 1 साल उसके बाद का है, तो चलिए मैं और 50 लाख कम कर देता हूं, 19 करोड़ देता हूं। मैं कहता हूं ठीक है डन, चलो 19 करोड़ कैश कर लिया। और 20 करोड़ जो है 2024 वाला जो है, 2024 31 दिसंबर, उसको मैं बेचता हूं, क्या कहते हो? वो कहता है, सर 18.5 दे दो। ऐसे करते करते वो, मैं जो बिल्डर हूं, मेरे पास जो रिसीवेबल्स हैं 20-20 करोड़ के, मैं किसी पार्टी को बेच देता हूं। किसको? किसी को भी बेच सकता हूं, मैं पिरामल को बेच सकता हूं, मैं किसी बैंक को बेच सकता हूं, आईसीआईसीआई बैंक को बेच सकता हूं, किसी को भी बेच सकता हूं। उनको पैसे आज नहीं चाहिए, उनको पैसे तब चाहिए, और उनको पूरा 20 करोड़ मिल जाएगा, एग्जैक्टली 20 करोड़ मिलेगा। वो डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, ये डिस्काउंटिंग कोई नई बात नहीं है, हुंडी नाम की चीज है, हुंडी डिस्काउंटिंग होता था, बिल डिस्काउंटिंग नाम की चीज है, लेकिन फ्लैट बायर को पता नहीं है। डेटर्स को बेचा जाता है, बुक डेट्स को बेचा जाता है, बेच सकते थे पहले से, बहुत पहले से बेच रहे हैं, और बेच के कैश कर लेते हैं। तो मैं रुनवाल हूं, मैंने अपने सिक्योरिटाइजेशन क्लॉज यूज किया, मैं कहता हूं कि भाई मैं तो पूरा प्रोजेक्ट भी बेच सकता हूं, मैं प्रोजेक्ट बेच के निकल सकता हूं। सपोज पिरामल ने खरीद लिया, तो 20 करोड़ का जो 5 रिसीवेबल है वो मैंने बेच दिया डिस्काउंट पे। तो टोटल मेरा डिस्काउंटिंग कितना हुआ, समझ लो कि 2.5 करोड़ मेरा कम हुआ, ये सब डिस्काउंट करने के चक्कर में 2.5 करोड़, 3 करोड़ मेरा कम हुआ। तो मेरे 100 करोड़ के बदले में मुझे, मेरे हाथ में मिल रहे हैं आज अभी इसी वक्त 97 करोड़। ये 97 करोड़ मैंने ले लिया, पिरामल को दे दिया। अभी बिल्डिंग खड़ा करना है, ड्रीम प्रोजेक्ट्स, जो नाम मैंने ड्रीम प्रोजेक्ट आपको पहनाया है वो खड़ा करना है। आपने ये देख के पहना है कि भाई ये रुनवाल का प्रोजेक्ट है, अब मैं रुनवाल इसमें से निकलना चाहता हूं,
मैंने मेरे पास 97 करोड़ आ गए ऑलरेडी, ओके मैंने कैश कर लिया है। अब मैं बुलाता हूं छगन भाई बिल्डर को। कौन है छगन भाई? कोई भी, मैं ऐसे एक नाम बना रहा हूं, कासलीवाल बिल्डर, ओके जो पंजाब में काम कर रहा है। मैं कासलीवाल बिल्डर को बुलाता हूं, भाई तू मुझे ये बिल्डिंग पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देने के लिए क्या लेगा? ये ले आर्किटेक्ट, ये ले सब ड्राइंग्स, परमिशंस, ये सब पकड़, देख क्या ले रहा है। वो कहता है सर मैं लूंगा 50 करोड़। 50 करोड़? श्योर 50 करोड़, ओके चलो डन, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट सब कर लिया। 50 करोड़ पे मैंने उसको काम दे दिया, अब वो करेगा काम। मैं यहां पे 47 करोड़ कमा के बैठ गया, मेरा काम हो गया, मैं 47 करोड़ ले चुका हूं। मैंने बेचा क्या? मैंने एक्चुअली बेचा है आपको, कस्टमर को मैंने बेच डाला। 100 कस्टमर थे, मैंने मेरे 100 कस्टमर्स जो मुझे 100 करोड़ देने वाले थे, मैंने उनको बेच डाला 97 करोड़ में। आपको जो फ्लैट मिलना है, जो प्रोजेक्ट मिलना है, आपका प्रोजेक्ट मैंने बेच डाला, उसको दे दिया कि भाई तू कासलीवाल बिल्डर, जो भी बिल्डर है, एक्स वाई जेड बिल्डर, चिमनलाल बिल्डर को पकड़ा दिया। मैंने बोला ये तू कर 50 करोड़ में, करेगा लेकिन क्वालिटी, सर डोंट वरी, आप क्यों टेंशन लेते हो, मैं जानता हूं। वो कैसे कट कॉर्नर्स करेगा वो आप ही देख लो, अब आप फोड़ोगे बाद में उसी के साथ। मैं निकला भाई, मैं यहां से 47 करोड़ लेके निकला, मेरा हो गया, मेरा आई एम डन। ये एक बिजनेस मॉडल है। अब ये मैं चिमनलाल बिल्डर को कैसे बेच सकता हूं? हाउ? प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैं बेच सकता हूं, आई कैन। लेकिन और एक भी तरीका है, मेरा कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल होराइजन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, रुनवाल का कंपनी है, होराइजन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैंने चिमनलाल को बेच दिया, उसने मेरे उसमें शेयर्स खरीद लिए, अब वो काम उसका हो गया, परमिशंस उसके हो गए, होराइजन प्रोजेक्ट्स में से निकल गया, मैं रुनवाल हूं, मैं निकल गया, आपको मैंने बेच दिया। ये टाइप का बिजनेस होता है, ओके। और आपको फ्लैट मिलेगा कि नहीं वो अब चिमनलाल के ऊपर आधारित है।